तो गाइस ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 का मैच नंबर 1 हमें देखने को मिलेगा मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शेख जईद स्टेडियम अबू धाबी में 19 सितंबर को शाम 7:30 से लाइव ऑन स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी मैच का प्रीव्यू। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस शुरुआत करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के रिजल्ट से। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल के इतिहास में 28 मैचेस हुए हैं। 28 मैचेस में से 17 मैचेस मुंबई इंडियंस की टीम जीती है और 11 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीती है। तो हेड टू हेड के मामले में तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है, लेकिन मुंबई इंडियंस को भी पता है कि अगर उनको कोई टीम आईपीएल के अंदर टक्कर दे सकता है तो वो चेन्नई सुपर किंग्स है। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में। तो चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स हो सकते हैं शेन वॉटसन एंड अंबाती रायुडू। फिर मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पे आएंगे फाफ डुप्लेसिस, नंबर 4 पे महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 5 पे केदार जाधव। इसके बाद ऑलराउंडर्स नंबर 6 पे आएंगे रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पे ड्वेन ब्रावो। इसके बाद इनके गेंदबाज होंगे नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पे पीयूष चावला, नंबर 10 पे दीपक चहर और नंबर 11 पर इमरान ताहिर। तो ये हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। इसके बाद हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 के बारे में। तो मुंबई इंडियंस के ओपनर्स हो सकते हैं रोहित शर्मा एंड क्विंटन डीकॉक। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पे आएंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पे ईशान किशन। इसके बाद ऑलराउंडर्स नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे केरन पोलार्ड, नंबर 7 पे कृणाल पांड्या और गेंदबाज होंगे इनके नंबर 8 पे राहुल चहर, नंबर 9 पे मिचेल मैकलेनिगन, नंबर 10 पे ट्रेंट बोल्ट और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह। तो देखो गाइस अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पहले मैच के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं, इस पे अभी भी डाउट है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। इसीलिए मैंने प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड प्लेयर्स को ऐड नहीं किया है। अगर वो अवेलेबल होते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। इसके बाद हम करते हैं दोनों टीमों को एनालाइज। तो देखो अगर हम पेपर पे देखें तो बिल्कुल मुंबई इंडियंस की टीम ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन अगर हम पिच कंडीशन की बात करें तो यूएई का पिच स्पिन फेवर करता है। तो स्पिन की अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिन डिपार्टमेंट है कंपेयर टू मुंबई इंडियंस। तो बिल्कुल चेन्नई का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस के बारे में तो मुंबई इंडियंस के पास कमाल की बल्लेबाजी है क्विंटन डीकॉक, रोहित शर्मा, इसके बाद इनके पास ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव। ये चार बल्लेबाज आप कह सकते हो मतलब मिडिल ऑर्डर में और ओपनर्स होंगे इस टीम के। और अगर ये अच्छा खासा रन बना दे इसके बाद इनको फिनिशिंग टच देने के लिए केरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या होंगे। तो बिल्कुल इस टीम को बहुत ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग टच मिल सकता है और हर मैच में ये टीम बहुत अच्छी खासी रन स्कोर कर सकती है। इसके बाद अगर हम इनकी गेंदबाजी पर नज़र डालें तो इनके पास केरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, ये इनके 3 पार्ट टाइम गेंदबाज होंगे आप कह सकते हो। इसके अलावा इनके मेन गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, राहुल चहर और चौथे गेंदबाज देखो अगर कुंटन आइल अवेलेबल होते हैं या फिर जेम्स पैटिनसन तो शायद उन्हीं को खिलाया जाए या फिर धवल कुलकर्णी को भी खिला लिया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट मैच में मैकलेनिगन को खिलाया जाएगा बिकॉज अदर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है कुलकर्णी को छोड़ के। तो इसलिए मेरे को लगता है मैकलेनिगन को खिलाएंगे। तो गेंदबाजी भी इनकी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जरूर थोड़ा स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर है, लेकिन देखते हैं राहुल चहर और कृणाल पांड्या कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम नजर डालें चेन्नई सुपर किंग्स पे तो चेन्नई की बल्लेबाजी है वॉटसन और रायुडू ओपनिंग करेंगे। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर फाफ डुप्लेसिस, महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव। तो बल्लेबाजी अच्छी है। इसके बाद फिनिशिंग टच देने के लिए इनके पास जडेजा और ब्रावो होंगे जो बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो इनके मेन गेंदबाजों में से एक जडेजा और ब्रावो ये दोनों होने वाले हैं। इसके अलावा इनके एक पार्ट टाइमर गेंदबाज केदार जाधव होने वाले हैं। देन इनके पास दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, पीयूष चावला, इमरान ताहिर जैसे बड़े बड़े गेंदबाज है। तो अगर स्पिन की बात करें तो इनके पास इमरान ताहिर, पीयूष चावला, जडेजा और केदार जाधव हैं। तो अगर धोनी चाहे तो स्पिन से ही 16 ओवर फिकवा सकते हैं। तो आप समझ सकते हो इनकी स्पिन डिपार्टमेंट कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है एंड और भी स्पिनर्स हैं इनके पास। तो बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस पिच पे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है एंड उनका पलड़ा आप कह सकते हो भारी रहेगा अगर उनके स्पिनर्स चलते हैं तो। लेकिन ये इसके ऊपर भी डिपेंड होगा कि अगर मुंबई के बल्लेबाज अच्छे से स्पिन को खेलते हैं तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद गाइज हम करते हैं प्रेडिक्शन की मैच नंबर 1 को कौन सी टीम जीत सकती है। तो देखो
अगर आपको अपना प्रेडिक्शन करना है तो मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोल तैयार किया है, तो आप वहाँ पे जाके वोट कर सकते हो। मैंने आपसे वहाँ पे पूछा है कि मैच नंबर वन को कौन सी टीम जीतेगी, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस, तो आप जाके वोट करो एंड जो भी आपकी फेवरेट टीम है उसको वोट करो, और अगर कोई फेवरेट नहीं है तो बस अपना प्रेडिक्शन बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती है। अब देखो मेरे प्रेडिक्शन की बात करें तो यार देखो दोनों टीम के फैंस आई एम श्योर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो माइंड मत करना। मेरे हिसाब से अगर चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करती है तो वो जीत जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करेगी वो टीम इस मैच को जीतेगी। तो अब लेट्स सी टॉस कौन जीता है एंड पहले बल्लेबाजी कौन करता है। तो मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि पहले जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो जीत जाएगी। एंड लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट, ये तो हमें 19 सितंबर को ही पता चलेगा। एंड सीजन के बाद देखते हैं मेरे कितने प्रेडिक्शन सही होते हैं, और आप भी अपना देखना कि आपके कितने प्रेडिक्शन सही होते हैं। तो आज से ही प्रेडिक्शन स्टार्ट करना चालू करो, और कमेंट्स में भी लिख के आप प्रेडिक्शन अपना बता सकते हो। मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि पहले जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो इस मैच को जीतेगी। और गाइस बस यही वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि हम जैसे अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।